नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल दोस्त आपका स्वागत करता हूं। एक दीवार पर लिखा था, जो आप जानते हैं वो आप होते हैं। जब मैंने उस वाक्य को पढ़ा तो मैंने लिखने वाले को दिल से 3 बारी थैंक यू बोला और आई वॉज वेरी एक्साइटेड जब मैंने उसके बारे में सोचा। जो आप जानते हैं वो आप होते हैं, यानी ये दुनिया आपको आपकी नॉलेज के आधार पे जानती है। तो दुनिया आपके बारे में अच्छा सोचती है तो दुनिया आपके बारे में बुरा सोचती है, तो इसके लिए आपकी नॉलेज जिम्मेदार है। लेकिन एक खुशखबरी ये है, एक गुड न्यूज़ ये है, आप मेरे साथ बोलना, वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव आवर नॉलेज। दिल से बोलो एक बारी, देखो इतना मजा आएगा आपको दिल से बोलने के बाद। वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव आवर नॉलेज। और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करिए, और उसमें से एक काम ये कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पेज को लाइक कीजिए, और मैं हर रोज आपके लिए एक लॉ का कंसेप्ट लेकर आऊंगा। आप इसे ट्रैवल करते करते, घर में सैर करते करते, कभी भी आप ये 2-3 मिनट अपनी लाइफ के निकालिए, और हर रोज हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे, जो भी आप सुने उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज करें, ठीक है, 48 घंटे के अंदर उसको रिकॉल करें, और एक हफ्ते के अंदर उसको लिख कर देखें, और ऐसे आपका नॉलेज बेस क्रिएट होगा, और उस नॉलेज बेस के ऊपर, उस लॉन्चिंग पैड के ऊपर हम अपने सक्सेस स्टोरी बनाएंगे, सक्सेस की इबारत लिखेंगे और छा जाएंगे। आइए दोस्तों आज का कंसेप्ट शुरू करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कंसेप्ट, व्हाट इज इट मीन टू बी एन एक्सेसरी। आज मैं क्रिमिनल लॉ में आपको एक्सेसरी वर्ड, एक्सेसरी कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्सेसरी कौन होता है? अ पर्सन हु दो नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ अ फेलोनी। ठीक है, फेलोनी क्या होता है? एक सीरियस टाइप का ऑफेंस को हम फेलोनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीखना है पहले फेलोनी वर्ड को। तो एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जिसे हम क्रिमिनल लॉ की टर्मिनोलॉजी में एक्सेसरी कहते हैं, जो डायरेक्टली प्रेजेंट तो नहीं है, यानी जिसने डायरेक्टली तो मर्डर नहीं किया, लेकिन उसने उसको असिस्ट किया है। ठीक है, असिस्ट किया है। अ पर्सन हु दो नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ अ फेलोनी इज गिल्टी ऑफ हैविंग एडेड एंड अबेटेड अनदर हु कमिटेड द फेलोनी। एड करना मतलब सहायता देना, अबेट करना मतलब एंकरेज करना। यानी ऐसा पर्सन जिसने क्राइम करने के लिए जो औजार यूज हुआ है, जो हथियार यूज हुआ है, उसको मुहैया करवाया है, एंकरेजमेंट मोटिवेट किया है, उत्साह बढ़ाया है उसको गलत काम करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए, एक्टस रियस यानी एक्ट अगेंस्ट लॉ करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए। तो आपकी लीगल टर्मिनोलॉजी जब तक बढ़िया नहीं होगी, लॉ इज द गेम ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज बनती है वोकैबुलरी से, और वोकैबुलरी जब तक ग्रिप नहीं होगी, जब तक आप बढ़िया तरीके से सोच नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पाएंगे। तो हमारा ये एफर्ट है छोटा सा, ठीक है, हमारा ये एफर्ट है छोटा सा कि हम आपकी वोकैबुलरी पे काम करें। जब आप अपनी वोकैबुलरी पे काम करोगे तो आपकी लैंग्वेज सुधरेगी, जब आपकी लैंग्वेज सुधरेगी आपको सोचना आ जाएगा, जब आपको सोचना आ जाएगा तो आप बड़ी बड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को आसानी से रिजोल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अ पर्सन हु दो नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ फेलोनी, यानी जब क्राइम हुआ, जब ऑफेंस हुआ, जब एक्ट सीरियस हुआ, तो पर्सन पर्सनली प्रेजेंट नहीं था उसका, लेकिन उसका दोष क्या है? उसने सहायता दी थी, हथियार दिया था, गाड़ी प्रोवाइड कराई थी, पैसा मुहैया करवाया था, एंड अबेटेड अनदर यानी एनकरेज एनकरेज किया था, ऑफेंडर को एनकरेज किया था, हु कमिटेड द फेलोनी। एक्सेसरी आल्सो कॉल्ड एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट। एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट क्या होता है? हु नोइंगली कंसील्स और असिस्ट अनदर हु हैज कमिटेड अ फेलोनी। यानी अगर मान लीजिए एक्स ने मर्डर किया और वो अपने रिश्तेदार के घर छुप गया, उसका रिश्तेदार कौन? वाई। वाई ने पुलिस को नहीं बताया कि एक्स जिसने मर्डर किया है वो उसके घर आके छुपा हुआ है, तो उसको बोलेंगे एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो या इस तरह के वीडियो और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।